हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर फिफ्थ ऑफ द चैप्टर, परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। आज के हमारे टॉपिक हैं एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोटोन एंड आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो ये सारी चीज़ें हम आज पार्ट नंबर फिफ्थ में कवर करेंगे। ये जो आज जो मैं चीज़ें करा रही हूँ, आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक आपके लिए नया नहीं है, क्योंकि क्लास नाइन्थ में हम इसे कर चुके हैं। जिन बच्चों ने क्लास नाइन्थ में किया है, उनको ये बिल्कुल ईजी में समझ में आ जाएगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो अच्छे से आज देख लें, तो ये उनके लिए रिविज़न हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले बात आती है एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, कैपिटल जेड से एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या एटॉमिक नंबर कहलाती है। परमाणु क्रमांक, हिंदी में इसे परमाणु क्रमांक बोला जाता है। जेड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट न्यूट्रल एटम। जब एटम पर कोई आवेश नहीं है, उस पर कोई आयन नहीं है, एटम आयन में परिवर्तित नहीं हुआ है, तब तक जब तक वो न्यूट्रल अवस्था में है, उदासीन अवस्था में है, ना वो नेगेटिव है ना वो पॉजिटिव है, उस कंडीशन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ऐसी कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जेड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। जबकि अगर ये आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, जब अच्छा सपोज हम देखें आयन में कन्वर्ट कब होगा, हम देखते हैं कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट एरिया में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, या फिर वो मूव करेंगे, या तो वो जाएंगे, वो या तो एटम से बाहर निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स, या फिर एटम के अंदर आएंगे। जब वो एटम से बाहर निकलेंगे तो एटम पर पॉजिटिव आवेश आ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो उतने ही हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर एटम के ऊपर पॉजिटिव आयन आ जाता है, धनावेशित एटम हो जाता है ना। और इसी का अपोजिट, यदि कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से एटम के अंदर आता है तो एटम में ऋणावेशित आयनों की संख्या अधिक हो जाती है कंपैरिजन टू धनावेशित आयन। यानी प्रोटॉन्स की कंपैरिजन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या उस एटम के लिए अधिक हो जाती है। तो जितनी संख्या अधिक होती है वो उसके ऊपर आवेश आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम बोल नहीं सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसे हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर नहीं बोल सकते हैं। और ऐसी कंडीशन के अंदर जब परमाणु आवेश में कन्वर्ट होता है तो वह परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर नहीं कहला पाता। ठीक है बच्चों, तो हम याद रखेंगे ये कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर है, और न्यूट्रल स्टेट पे, किसी भी एटम की न्यूट्रल स्टेट पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, और वही है परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर, जिसे कि रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल जेड से। अब बात आती है मास नंबर। मास नंबर को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। मास नंबर क्या होता है? ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जो भी न्यूक्लियस के अंदर, एटम के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या को कंबाइनली प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या को बोला जाता है मास नंबर। ठीक है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है? ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है? एटॉमिक नंबर ही है, जैसे कि हम कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल एन से। तो ये बोल सकते हैं ए इज इक्वल्स टू कैपिटल जेड प्लस स्मॉल एन। ये भी बोल सकते हैं कि ए इज इक्वल्स टू कैपिटल ए इज इक्वल्स टू जेड प्लस एन कह सकते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपके पास दे रखा होता है कि मास नंबर दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर दे रखा है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। अगर न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है तो हम सिंपली क्या करेंगे, ए माइनस जेड इज इक्वल्स टू एन आ जाएगा, न्यूट्रॉन्स की संख्या आ जाएगी। तो इस तरीके से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन होते हैं वो इनके ऊपर बेस्ड हैं। तो हम अच्छे से इनको देखें ताकि हम आगे आने वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आसानी से कर सकें। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए अब अगला हमारा टॉपिक आ रहा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट को या रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम, कि एटम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि सपोज कोई एटम है, तो सबसे पहले एटम का हमें सिंबल लिखना पड़ेगा। ये मैंने एक्स से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। जैसे एक्स कोई क्या है, सिंबल ऑफ एन एलिमेंट है, किसी भी एलिमेंट का सिंबल है।
जिसके सबस्क्रिप्ट में आता है जेड, जेड क्या है एटॉमिक नंबर, और सुपरस्क्रिप्ट में आता है मास नंबर कैपिटल ए। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी सिंबल है इसका सबस्क्रिप्ट जो है एटॉमिक नंबर जेड है और सुपरस्क्रिप्ट जो है मास नंबर है, इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है कोई भी एटम हो वो, है ना। जैसे हम देखिए क्वेश्चन देखिए, ये एक क्वेश्चन देखिए न्यूमेरिकल कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन ब्रोमीन 35 और जिसका कि मास नंबर है 80। जेड दे रखा है हमें 35, जेड है एटॉमिक नंबर और 80 क्या है मास नंबर। ठीक है, जब जेड की बात कर रहे हैं हम तो जेड क्या है, जेड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये देखिए हम पढ़ते आ रहे हैं जेड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी यही होगा कौन सी कंडीशन पे, जब ये जो एटम है इस पर कोई आयन नहीं है कोई चार्ज नहीं है तो ये न्यूट्रल स्टेट में है, इसलिए z इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 35 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये कि ये संख्या इलेक्ट्रॉन्स की भी है और ये कि ये संख्या प्रोटॉन्स की भी है। अब हम बात करते हैं कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें पता चल गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता चल गए, अब हमें ज्ञात करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मैंने आपको बताया था कि अभी देखिए यही न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया है, a इज इक्वल्स टू z प्लस n और हमारे पास a की वैल्यू है, z की वैल्यू है, n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो n इज इक्वल्स टू a माइनस z इज इक्वल्स टू 80 माइनस 35 इज इक्वल्स टू 45। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 45। इस तरीके से हम इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं हमारे आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स किसे कहते हैं, आइसोटॉप्स क्या होते हैं, सेम एलिमेंट्स के ही आइसोटॉप्स होते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जुड़वा भाई बहन है ये, है ना, एक ही फैमिली के जुड़वा भाई भाई, जुड़वा बहने बहने, है ना, तो जुड़वा भाई बहन कहलाते हैं ये, क्योंकि सेम एलिमेंट्स होते हैं जिनके कि नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होता है लेकिन मास नंबर चेंज होता है। ये देखिए जैसे कार्बन है, कार्बन के तीन आइसोटॉप्स हैं, कार्बन के तीन आइसोटॉप्स हैं, इसी तरीके से हाइड्रोजन के हमारे पास तीन आइसोटॉप है, उसी तरीके से क्लोरीन के दो आइसोटॉप्स हैं, है ना, तो अलग अलग आइसोटॉप्स हमारे पास पाए जाते हैं, एलिमेंट्स बहुत सारे हैं हमारे पास लेकिन पीरियोडिक टेबल में उन आइसोटॉप्स को रखने के लिए जगह नहीं है, तो हम उन आइसोटॉप्स को पीरियोडिक टेबल में ना रख कर कम से कम इस तरीके से याद कर सकते हैं कि कितने आइसोटॉप्स हैं हमारे पास और कौन कौन से हैं और इन आइसोटॉप्स को कैसे बनाया गया है, क्या विशेषता है इनकी। देखिए कार्बन के जब तीन आइसोटॉप्स हैं, कार्बन के तीन आइसोटॉप्स की जब बात करते हैं C6, इनका क्या है एटॉमिक नंबर सेम है, ये 6 6 6, यानी एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या या फिर न्यूट्रल स्टेट में कहा जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इन तीनों में, कार्बन के तीनों एटम्स में सेम है लेकिन मास नंबर जो है वो है 12 13 एंड 14। मास नंबर क्या होता है, परमाणु के केंद्र में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स की जो संख्या है वो है 12 13 14, है ना। तो नंबर ऑफ इसमें क्या चेंजेस हो रहा है, जब हम कहते हैं कि किसी भी अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में जब वो न्यूट्रल स्टेट में है तब उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ जो मास नंबर चेंज हो रहा है, क्योंकि अगर हम कहा जाए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर 6 है तो यहाँ पे न्यूट्रॉन्स की संख्या चेंज हो रही है, उसी वजह से मास नंबर चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ देखिए हाइड्रोजन के तीन आइसोटॉप्स हैं हमारे पास, जैसे कि हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 3, इनके अलग से नाम दे रखे हैं। हाइड्रोजन जैसे कि इसका ड्यूटेरियम है 1, जिसका मास नंबर 2 है वो ड्यूटेरियम है, और ट्राइटियम है जिसका कि हाइड्रोजन का मास जो है वो 3 है वो ट्राइटियम है। तो इस तरीके से हमारे पास प्रकृति में अलग अलग मास के भी एलिमेंट्स मिलते हैं, जैसे कि क्लोरीन का है, क्लोरीन का होता है, क्लोरीन 17 पोजीशन पे है लेकिन उसका जो मास है 1 का 35 है, 1 का 37 है। तो इस तरीके से इनका मास का जो एवरेज करके निकाला जाता है, क्योंकि प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाने वाला जो एलिमेंट है उसी की, जैसे कि कार्बन के जो तीन आइसोटॉप्स हैं उसमें प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में C6H12 पाया जाता है, और हाइड्रोजन में भी अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन में भी H11 जो है ये प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो अधिक मात्रा में पाया जाता है जैसे 99% अगर ये वाला आइसोटॉप अगर है प्रकृति में तो हम इसी को लेकर कैलकुलेशन करेंगे, है ना। इसी तरीके से हाइड्रोजन में भी 99% जो है वो H11 है, तो इसी को हम हाइड्रोजन को इसी को मानकर कैलकुलेट करते हैं, जबकि क्लोरीन जो है
क्लोरीन का रेशियो अलग अलग होता है, इसलिए उसकी जो गणना है उसका जो मास है वो 35.5 रखा गया है, क्योंकि उसका जो वैल्यू, उसकी जो एवरेज वैल्यू है वो 75 और 25% है, तो ये बिल्कुल कम नहीं है। तो 75 और 25% का जो एवरेज मान के चलते हैं, इसलिए क्लोरीन का जो मास होता है, मास नंबर, वो 35.5 है। इसको मैंने एनलार्ज करके खुल के बताया आपको, 9th क्लास में मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है ये टॉपिक आपको। आगे चलते हैं, आइसोबार्स। आइसोबार्स किसे कहते हैं? ये देखिए, ये तो सेम एलिमेंट्स थे, जैसे कार्बन के ही सेम एलिमेंट्स हैं, लेकिन आइसोबार्स की जब हम बात करते हैं, इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स आते हैं। डिफरेंट एलिमेंट के साथ साथ में इनका एटॉमिक नंबर देखिए, यहाँ 18 है, यहाँ 19 है, यहाँ 20 है, एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है, लेकिन मास नंबर 40 40 40 है ना। आर्गन 18 40, पोटेशियम 19 40 और कैल्शियम 20 40। यहाँ 40 जो मास नंबर है वो सेम है, इसलिए से बोला था आइसोबार्स, है ना। आइसोबार्स जो कि एटॉमिक, ये जो मास नंबर जो है इसका वो सेम है, और इसका जो एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट है, और ये एलिमेंट्स खुद भी डिफरेंट है। जब एलिमेंट्स खुद भी डिफरेंट होंगे, तो जब ये केमिकल रिएक्शन में पार्ट करेंगे तो अलग अलग केमिकल रिएक्शन शो करेंगे, तो इनकी जो केमिकल रिएक्शंस होंगी वो भी अलग अलग होगी। जबकि आइसोटॉप्स की जब हम बात करते हैं, क्योंकि ये सेम एलिमेंट्स के ही होते हैं, सेम एलिमेंट्स के होने के कारण इनकी जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो लगभग ऑलमोस्ट सेम होती है। पूरी के पूरी सेम हो ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ऑलमोस्ट इनकी केमिकल रिएक्शंस सेम होती है, जबकि आइसोबार्स की केमिकल रिएक्शंस अलग अलग होती हैं। इसके बाद हम बात करें आइसोटोन्स की। आइसोटोन्स किसे कहते हैं? आइसोटोन्स क्या है? डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। जहां हम बात करते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स, तो वहां सीधा सीधा ये रूल निकलता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो उनकी केमिकल रिएक्शंस अलग अलग हैं। तो अगर ये क्वेश्चंस पूछ लें कि आइसोटोन्स की क्या केमिकल रिएक्शन सेम होती है, नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि आइसोटोन्स डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं, इनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट हैं, यहाँ 14 है, यहाँ 15 है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है। हमने पहले भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन किया है जिसमें हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या ज्ञात की है। इसी तरीके से जैसे बात करें हम, सिलिकन 14 है, 30 है इसका मास नंबर, और फॉस्फोरस 15 है इसका एटॉमिक नंबर, और 31 है इसका मास नंबर। हम इसके न्यूट्रॉन्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मास नंबर इज इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। मास नंबर अगर हमें पता है, प्रोटॉन्स की संख्या अगर हमें पता है, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। मास नंबर इज इक्वल्स टू 30 और प्रोटॉन्स की संख्या जो है वो 14 है, प्लस एन, यानी 30 इज इक्वल्स टू 14 प्लस एन, एंड एन इज इक्वल्स टू 13, 30 माइनस 14 इज इक्वल्स टू 16। तो यहाँ 16 क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या है। यहाँ 16 है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या फॉर सिलिकन। फॉर सिलिकन एटम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या 16 है। तो हम देखते हैं फॉस्फोरस की कितनी आ रही है। तो फॉस्फोरस में अगर हम बात करें कि मास नंबर इज इक्वल्स टू प्रोटोन, नंबर ऑफ प्रोटोन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो मास नंबर में दे रखा है 31 और प्रोटॉन्स की संख्या दे रखी है 15 प्लस एन, देन एन इज इक्वल्स टू 31 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 16। यहाँ 16 आ रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फॉर फॉस्फोरस। यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फॉर सिलिकन इज ऑल्सो 16 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फॉर फॉस्फोरस इज ऑल्सो 16। यहाँ 16 जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू सेम है, इसलिए ये दोनों एटम्स जो हैं वो कहला रहे हैं आइसोटोन्स, ठीक है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं, क्योंकि ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होती है। ये हमने बात की आइसोटोन्स। आइसोटोन्स यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या सेम होती है। अब लास्ट में हम बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स के साथ में कुछ रिलेशन है, और इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिलेशन क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम होती है। अब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या का सेम होना ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम होती है किसी न्यूट्रल स्टेट में। हम प्रत्येक एलिमेंट की विशेषता होती है उसके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या। अगर आउटरमोस्ट शेल में अगर प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है वो विशेषता होती है किसी भी पर्टिकुलर एटम की,
अगर हम बात कर रहे हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम है, तो उसका सेम होना एक ही कंडीशन पे होती है, जब वो आयंस में कन्वर्ट होते हैं। अगर वो आयंस में कन्वर्ट हो रहे हैं यानी इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान हो रहा है, तो इसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम हो सकती है। हमने जो ऊपर जो बात पे पढ़ी है, जैसे आइसोटॉप्स पढ़ा है, आइसोबार्स पढ़े हैं, आइसोटोन्स पढ़ा है, इसमें आयन नहीं पढ़े हैं। सिंपल से हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, सिंपल एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, जबकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक में हम आयंस देखेंगे। देखिए कैसे, जब यहाँ डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, यहाँ ऑक्सीजन है, नियॉन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, तो यह डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, लेकिन इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हैं। ये कैसे हैं? ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे है ऑक्सीजन 2-। 2- का क्या मतलब है? यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से खींच लिए हैं अपने पास। इसके पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इसने अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए हैं, तो इसके ऊपर चार्ज आ गया है -2। तो इस 2- को मतलब इसका अब टोटल इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हैं? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने के लिए ये देखिए, प्रोटॉन्स की संख्या इसमें 8 है और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इसमें 8 है, लेकिन 2- है इसमें, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8+2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं ओ 2- में। ठीक है, ऑक्सीजन में 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं जब ये 2- है। इसी तरीके से हम बात करें नियॉन में, नियॉन जो कि एक नोबल गैस है, उसके आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए ये कोई भी तरीके का आयन शो नहीं कर रहा है। इसके आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस एटम में 10 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 10 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स है नियॉन के पास। ओ 2- में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नियॉन में भी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 10 है। सोडियम प्लस का मतलब है कि उस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। यहाँ पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या घट रही है, तो ऐसी कंडीशन में सोडियम के ऊपर प्लस आयन आया है। सोडियम प्लस में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अगर 11 है, अगर 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन प्लस का सिंबल प्लस आयन आया है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, तो 11-1 हुआ है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इसमें 10 हो गई है। और इसी तरीके से मैग्नीशियम में +2 आया है, Mg 2+ है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 12 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या 12 है, लेकिन +2 का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं, तो 12-2 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन्स, यानी इन सारे स्पीशीज में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। O-O 2-, नियॉन, सोडियम प्लस और मैग्नीशियम 2+, तो इन सभी में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम है, वो की है 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसी स्पीशीज़ को बोला जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़, जिसमें कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैं लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम है। तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, क्योंकि ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, जब ये केमिकल रिएक्शन करते हैं, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सेम नहीं आती, क्योंकि ये एलिमेंट्स ही डिफरेंट हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमने ये सारा पढ़ा है, तो बच्चों आप भी एक बार इसके नोट्स बना लें, लिख लिख कर याद कर लें। मिलते हैं बच्चों पार्ट नंबर 6 में। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।